श्री खंडेलवाल वैश्य विकास समिति गर्धनी गोविंदपुरा के द्विवार्षिक चुनाव अध्यक्ष पद प्रत्याशी रमेश आकर ने विशाल रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ गोविंदपुरा में गोविंद धाम टावर से चालू कर हाथोज स्टार सिटी, रॉयल सिटी, मंगलम सिटी, सनराइज सिटी, हरनाथपुरा, बजरंग द्वार, शेखावत मार्ग होते हुए करधनी में आकर रैली का समापन किया। इस रैली में रमेश आकर जगह जगह अपना उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने सारे समाज को एक मंच पर लाने की बात कही और वृद्धजनों की पेंशन व समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर व गरीब कन्याओं के विवाह में समाज द्वारा योगदान की बात कही तथा गरीब निर्धन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की बात की। उनके साथ समाज के प्रमुख आदमी जिनमें गोपाल कृष्ण कुलवाल, महेश दुसाद, कृष्ण मुरारी खंडेलवाल, विकास कांट, उमेश कुमार गुप्ता, विष्णु कुलवाल, गोपाल महरवाल, महिला शक्ति में रचना खुटेटा, सुनीता पूजा कुलवाल व मंत्री शक्ति बढ़ चढ़कर सम्मिलित थे। क्या प्रयोजन है आपकी, किस तरह से? मैं गोपाल कृष्ण कुलवाल, पूर्व मुख्य संरक्षक खंडेलवाल समाज करगनी गोविंदपुरा का, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जिनको अध्यक्ष पद के लिए सपोर्ट कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से कार्यकाल चलाने की व्यवस्था करेंगे। गोपाल कृष्ण कुलवाल, मेरा मत और समर्थन इनके साथ है। किसके साथ? रमेश चंद जी आकड़ के साथ। किस तरह की, मतलब कैसे आप लोग एजुट कराएंगे, उसका कुछ बताएंगे आप? समाज को एक जाजम पे कैसे लाएंगे आप? समाज को एक जाजम पे लाने की प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे इस विकास समिति का जयपुर में खंडेलवाल समाज में नाम हो और प्रगति करने की प्रयास करेंगे सभी प्रकार से। मैं विकास खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं, और जिस हिसाब से हमको रमेश जी आकड़ का बहुमत मिल रहा है, पूर्ण समर्थन मिल रहा है, उससे हमको लग रहा है हमारी जीत निश्चित है, और हम यही चाहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और आने वाले टाइम के लिए समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, जिससे भी जो भी हमारे समाज में प्रॉब्लम चल रही है, समस्या हो रही है, उन सब का समस्या का निदान कर सकेंगे, उनको समस्या को सुलझा सकेंगे। हम इसी के लिए, इसमें हमको सबका साथ की ज़रूरत है, हम सब साथ मिलकर ही इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम जीतेंगे उसके बाद हम लोग सब एक तरह का शिविर लगाएंगे, कोई रक्त मेडिकल कैंप लगाएंगे, या कुछ भी जो गरीब बच्चे हैं, वृद्ध समाज है, उन सब के लिए भी हम कुछ किस तरह कैंप लगाएंगे ताकि उनकी समस्या का हल हो सके, और यही उम्मीद है कि हम हमारी जिस हिसाब से हमारी कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं उससे हमारी जीत पूरी तरह से निश्चित हो चुकी है और हमारा पूर्ण बहुमत मिल रहा है हमको। धन्यवाद। आप युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ने का काम करेंगे? युवा पीढ़ी को हम एक सभी को एक मंच पे सबको साथ लेकर आएंगे, जिस तरह के युवा पीढ़ी में कोई अगर शिक्षित जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम आगे जाकर उनको अप्रिशिएट करेंगे ताकि वो प्रमोट करेंगे, ताकि हम लोग उनको आगे बढ़ा सकें और वो आगे अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ सेवा में भी कुछ कर सकें। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय। मैं शालिनी गुप्ता। आज रमेश जाकर जी का चढ़ा खिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम पूरी तरह से चाहेंगे पापा जी जीत जाएं हमारे, हम पूरा सहयोग देंगे हर तरह से पापा जी के सपोर्ट में हैं हम लोग, सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पापा जी के सभी सपोर्ट में रहें और सब पापा जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। समाज को पूरा एक इकट्ठा करके चले, हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करें, पापा जी को सपोर्ट करें सभी लोग। रिक्वेस्ट यही रहेगी हम लोगों की शुरू से ही एंड तक, हम पापा जी के साथ हैं बिल्कुल। आज देखा जा रहा है कि महिलाओं के बच्चियों के प्रति अधिकांश घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में क्या आप अपने समाज की तरफ से करेंगे? हम पूरी तरह से उनकी हेल्प करने को तैयार हैं, बिल्कुल रहेंगे, हाँ बिल्कुल हेल्प करेंगे हम लोग उनकी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी हम सॉल्व करेंगे, सब चीज़ें हम सपोर्ट करेंगे उन चीज़ों में। आजकल कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते हैं। हम बिल्कुल उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को। थैंक यू। तो बोलो। मैडम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय। नमस्कार, मैं रचना खुटेटा, और मैं चाहती हूँ कि है ना रमेश जी आकड़ पूरे फुल बहुमत से आए हमारे यहाँ समाज के अंदर, और
फुल बहुमत से जीते और मैं महिला मोर्चा के साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम रचना खुटेटा है। मैं चाहती हूँ कि सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी वो आगे रहें, महिलाएं पीछे नहीं रहे किसी भी तरह से। बस इतना ही बोलूँगी, मेरे से बोला नहीं जाता, नहीं बोला जाता। मैं पूजा कुलवाल, मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से रमेश जी आकड़ के साथ है और हम चाहते हैं कि रमेश जी आकड़ ही जीते, क्योंकि ये सबको साथ लेके चलते हैं, महिलाओं को, सबको, पूरे समाज में। इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा करेंगे, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि ये ही जीते। मैडम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए आपके समाज में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कुछ विधवाएं भी होंगी, उनके लिए क्या आपकी संस्था करेगी? विधवाओं को ये अच्छी, मतलब आगे पेंशन दिलवाएंगे, कुछ गरीब परिवार है उनको भी आर्थिक रूप से पूरी सहायता करते हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। अभी कुछ बच्चियां, कुछ परिवार ऐसे हैं जो जिन अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उसके लिए भी इन्होंने कदम उठाया है और ये सब चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही उनको भी हेल्प कर रहे हैं, रोजगार की भी हेल्प कर रहे हैं उन लड़कियों के लिए। ठीक है, दूसरे के सहयोग से सभी महिलाओं से मैं कॉन्टेक्ट करूंगी और सबको साथ लेके चलूंगी। आप पूर्ण रूप से किसका सपोर्ट कर रही हैं ज्यादा? मैं रमेश जी आकड़ का, मैं और मेरी टीम रमेश जी आकर का पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे उनको जिताने के अंदर और हम उनको जिता के ही रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। मैं रमेश आकर करदनी गोविंदपुरा खंडेवाल समाज से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मेरा मत यह है कि समाज सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और सबके साथ और जन समर्थन लेके अपार मतलब जीत पाना चाहता हूँ और अच्छा काम करूँगा, सबके साथ लेके अच्छी तरह के काम करूँगा, समाज को ऊपर उठाने काम करूँगा और सबका साथ, सबके साथ लेके विकास करूँगा मैं। ये चुनाव प्रतिक्रिया कब चलेगी? ये चुनाव प्रतिक्रिया 7 को चुनाव है, 7 मई को चुनाव है, अभी प्रचार चल रहा है, आज हमारी रैली है और अच्छा जन समर्थन मिल रहा है हमारे को, चारों तरफ अच्छा समर्थन है और समाज का पूर्ण बहुमत है मेरे साथ में। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं हम, सब एकजुट हो, परिवार हो, समाज हो, एकजुट हो तो अच्छा रहता है और समाज के लिए कहते हैं सब आपस जुड़ के काम करें, भाईचारे से काम करें। मैं अध्यक्ष था और आगे भी मैं एक मंच पे लाने की कोशिश, इस संस्था का गठन मैंने 2016 के अंदर किया था और करीब 4 महीने लगे थे संस्था को संगठन बनाने में और 16 मई में इसकी संगठन बना के मैं अध्यक्ष बना था, 18 तक मैं अध्यक्ष रहा मैं, उसके बाद सुरेश जी गुप्ता बन गए, 4 साल का कार्यकाल रहा, मेरे कार्यकाल में अच्छा काम किए, अच्छी प्रोग्रेस की थी और उन्होंने भी अपने हिसाब से अच्छा किया, पर आपस के अंदर चलता समाज कोई बात नहीं और अब मुझे सभी के सहयोग से सभी समाज बंधुओं ने कहा कि आप अध्यक्ष बनो और इसको आगे लेके तरक्की बढ़ाओ, समाज को एकजुटता करो, सब में भाईचारा बने आपस में, ये मेरी मनोकामना और ये मेरी इच्छा है कि सबको साथ लेके सबका विकास हो और कोई अच्छे अच्छे प्रोग्रेस करें समाज के लिए। कौन कौन से काम ऐसे मेरा सबसे पहले तो यह है कि जो गरीब परिवार है जिनकी बच्चियाँ असमर्थ है पढ़ने में उनके लिए व्यवस्था की जाए, कॉपी है, किताबें हैं, उनके ड्रेस वगैरह स्कूलों की है, ये व्यवस्था को निर्धन कन्याएं जैसे गरीब परिवार में उनकी शादियों में दिक्कत आती है, उनके समाज की तरफ से मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी योगदान बने वो समाज उनको दिया जाए। तीसरा, शिक्षित के लिए, शिक्षा के लिए उनकी व्यवस्था हो, एक जैसे को घरेलू है कुछ सिलाई वगैरह सीखना चाहते हैं प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, उनको सिलाई सिखाई जाए, एक मेडिकल कैंप लगाया जाए तो हर 3 महीने में एक मेडिकल कैंप लगाया जाए और 6 महीने में वाइट डाटा ग्रुप लगाया जाए और इसके अलावा कुछ बच्चों का है, परिवार का है, किसी अनाथ है, वृद्ध पेंशन है, जैसे बुजुर्ग हैं 60-70 उनके पेंशन नहीं है, पेंशन की व्यवस्था कराना, समाज से कराना, गवर्नमेंट से कराना, किसी तरह कोई मदद कराना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। नाम बोलो, रमेश चंद आकर। मैं रमेश चंद आकर पूर्व अध्यक्ष रह चुका था, 2 साल रहा हूँ, उसके बाद सब समाज लोगों ने मुझे कहा अब पुनः अध्यक्ष बने, इन सब की बात मार के मैं अध्यक्ष से तैयार हुआ और सबका सहयोग मेरा अपार समर्थन है, अपार सहयोग है मेरे साथ। खंडेलवाल समाज का विकास, खंडेलवाल समाज का विकास।
खंडेलवाल समाज का विकास रमेश आकड़ के साथ।